तरह की भू संपदा को समेटे, यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सेलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद ए विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी, और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे, और मंगोलिया के राजपूत राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मंगोलिया से पधारे हैं, वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारी इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले पहले 3500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे PPP मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाए। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभाग स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है, बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं, इससे प्रदेश अलग नहीं है। इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह, लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है, चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा, बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम,
नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में, अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी, और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है, बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं, उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहाँ से लेके वहाँ तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है, 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमो में भी सीमेंट प्लांट, कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो, दमो में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूँ तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है, बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 ज़्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से, हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1,700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1,000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं, जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया, आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे, भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है
मध्य प्रदेश के बीच में से ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये आप तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं? हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पाव पसार रही, जोरदार अभिनंदन करे, किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही, आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है, 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध पानी का पानी, हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बन के तैयार हो गया, इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और न केवल जहाज उतरेंगे उड़ेंगे, बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है, उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलिंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्यप्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कामन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर के सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहाँ उसको जोड़ा है, 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर के सेठिया जी का। और बार माल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईच ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, यह नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजा, 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना, अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूँ जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूँ, उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ, परमात्मा ने मौका दिया है। यहाँ पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है, आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है, हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए, हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए, लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा, इसीलिए सब मिला के लगभग 19000 करोड़ से ज़्यादा
आज प्रस्ताव प्राप्त हुए, जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारी इन्वेस्टमेंट समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे, लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहां मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी, इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी, सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है, आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं। और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहाँ नहीं हर जगह के लिए, और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टर के अंदर यहां सिंचाई की संभावना बन रही है, बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहाँ एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली है, और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक MOU किया है, और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है, इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में। माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए, और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है, इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने ये अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से, कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती है इस पद्धति को हमने पकड़ा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50 हजार करोड़ तक ले जाने वाले हैं, अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो अपनी बात समाप्त मत करो, इतना प्रेम इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है, ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, शैलेन जी के लिए ताली बजाओ, चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है, मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो, वो सब बोलता रहूं मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो परमात्मा की लीला है, हम सबका हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी, ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात, लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए पुराने जन्मों के,
कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं, और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए दो रोटी के जुगाड़ तो सब करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी, वो भी रहना चाहिए, लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और हजार लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें, उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए। और ये हजार में नहीं, जब हजारों में होती है, ये लाखों में हो, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के निवेश पथ पर बुंदेलखंड। और इस कार्यक्रम की अभी आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुर्खी में, आईटी क्षेत्र के विकास में 1700 करोड़ का निवेश। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड में आज के बाद का नया इतिहास लिखा जाएगा। सागर रीजन में डेटा सेंटर आएगा।